एवरीवन, नमस्कार। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आरआरबी जेई में सैलरी कितना मिलता है, तो ये देखिए, ये ट्रेनिंग का सैलरी है। ये ट्रेनिंग में इतना सैलरी मिलता है, बेसिक पे मिलता है और डीए मिलता है, दो ही चीज़ मिलता है ट्रेनिंग में। और बेसिक पे 35,400 होता है और डीए उसमें जितना भी हो, इस समय 28% था, तो इस समय ये डीए हो गया। ये ट्रेनिंग का सैलरी स्लिप हो गया, बेसिक और डीए इतना मिलता है। सैलरी स्लिप है ट्रेनिंग के बाद का। ट्रेनिंग के बाद एक इंक्रीमेंट लग जाता है और कुछ अलाउंस मिलने लगते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। तो ये हो गया बेसिक पे एक इंक्रीमेंट के साथ। डीए उसमें 31% था, 31% डीए। आइडियर हमेशा नहीं मिलता है, एक एक मंथ का बचा रह गया तो मिल गया था। तो ये सैलरी है आपको आफ्टर ट्रेनिंग और ओथ बिफोर ट्रेनिंग, यही सैलरी मिलता है जेई को। ये डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर। अगर आप लाइन में ज़्यादा वर्क करते हैं, हेडक्वार्टर से बाहर जाकर, तो आपको 10 से 12 हज़ार ज़्यादा मिलेगा। आपको टीए हो जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू सिटी भी डिपेंड करता है। अगर आप मुंबई पटना मुंबई जाते हैं, जहाँ पर एचआर आपको 27% है, तो उस सैलरी आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो डिपेंड उस पर करता है कि आप कहाँ पर वर्किंग करते हैं, और लाइन में भी वर्किंग करते हैं या ऑफिस में वर्किंग करते हैं, यह सैलरी स्लिप। थैंक्स।